आई एम इंद्रजीत कौर फ्रॉम हाई स्कूल मंडीगांव। हमारा टॉपिक चल रहा है वाइटल विलेज थ्राइविंग टाउन्स, चैप्टर 8, क्लास 6, हिस्ट्री बुक। तो आज हम आगे पढ़ेंगे ये चैप्टर। रूल्स फॉर स्पिनिंग एंड वीविंग। रूल्स क्या होते थे कटनी और बुनने के? दीज रूल्स आर फ्रॉम द अर्थशास्त्र। ये अर्थशास्त्र से ये रूल बने हुए थे। मेंशन्ड इन चैप्टर 7। ये चैप्टर 7 में मेंशन है। दे डिस्क्राइब हाउ स्पिनिंग एंड वीविंग कुड बी डन इन वर्कशॉप्स अंडर द सुपरविजन ऑफ ए स्पेशल ऑफिसर। इसके लिए एक स्पेशल ऑफिसर होता था जिसकी सुपरविजन में वर्कशॉप में काम होता था स्पिनिंग और वीविंग का। Widows, young women who are differently abled, nuns, mothers of courtesans, retired women, servants of the king, women who have retired from service in temples may be used for processing wool, bark, cotton, hemp and flax. Vidwa औरतें, जवान औरतें और जो differently abled होती थी, nuns होती थी जो शादी नहीं करती थी, जो मदर्स होती थी कोर्टिजन्स की जो कोर्ट में काम करती थी उनकी मदर्स माँ होती थी, रिटायर्ड वुमेन सर्वेंट्स ऑफ द किंग जो बादशाह की सर्वेंट्स होती थी उन उनसे जो रिटायर्ड हुई होती थी, वुमेन हु हैव रिटायर्ड फ्रॉम सर्विस इन टेंपल्स जो मंदिरों में काम करती थी वहाँ से रिटायर हुई होती थी, मे बी यूज फॉर प्रोसेसिंग। तो इस काम के लिए वूल बाग कॉटन हेम्प एंड फ्लेक्स को लिए ये सब औरतें काम करती थी। दे शुड बी पेड अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी एंड क्वान्टिटी ऑफ वर्क। तो इन सब को पेमेंट दी जाती थी, पैसा दिया जाता था जितना वो काम करती थी और कितनी काम की क्वालिटी कैसी है, किस किस्म का काम है और कितना काम किया गया है उसी हिसाब से उनको पेमेंट दी जाती थी। वुमन हु आर नॉट परमिटेड टू लीव देयर होम्स कैन सेंड मेड सर्वेंट्स टू ब्रिंग द रॉ मटेरियल फ्रॉम द सुपरिंटेंडेंट। जिन औरतों को घरों से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं होती थी तो उनको मेड सर्वेंट घर भेजी जाती। औरतें मेड सर्वेंट्स घर भेजे जाते थे रॉ मटेरियल देके, कच्चा माल देके, और वो सुपरिंटेंडेंट उनको भेजता था माल और वापस भी, फिर तैयार करके भी माल वही वापस, फिनिश्ड वर्क भी बैग वही वापस करके लाती थी। वुमन हु कैन विजिट द वर्कशॉप शुड गो एट डाउन टू गिव देयर वर्क एंड रिसीव देयर वेज। वुमन हु कैन विजिट द वर्कशॉप, जो वर्कशॉप में जाती थी वो अपना काम खुद लेकर आती थी और रिसीव भी वेज भी खुद रिसीव करती थी। देयर शुड बी एनफ लाइट टू एग्जामिन द वर्क। वहाँ पे का जो काम होता था उसको एग्जामिन किया जाता था। इन केस द But superintendent looks at the woman or talks about anything other than the work, he should be punished. तो जो superintendent होता था अगर वो देखता था कि कोई इधर उधर की फिजूल की बातें, काम के अलावा कोई दूसरी बात कर रहा है तो उसको punish किया जाता था, सज़ा दी जाती थी। If a woman does not complete her work, अगर कोई औरत अपना काम नहीं करती थी, she will have to pay a fine. तो उसे fine देना होता था या एंड हर थम्स कैन बी कट ऑफ या उसका अंगूठा काट दिया जाता था। ए क्लोजर लुक अर्कामेडो। फाइंड अर्कामेडो इन पॉन्डिचेरी ऑन मैप 7 पेज 105। जो अर्कामेडो है ये आपको मिलेगा पॉन्डिचेरी आज के जगह आज उसका नाम पॉन्डिचेरी है, मैप 7 पेज नंबर 105। एंड रीड द बॉक्स ऑन रोम, और जो रोम पे पेज नंबर 88 अगले पेज पर जो स्टोरी है ये रोम की उस पर उसमें आप इस चीज जगह के बारे में पढ़ोगे। बिटवीन 2000 ईयर्स एंड 1900 ईयर्स एगो। बिटवीन 2200 एंड 1900 ईयर्स एगो। तकरीबन 2200 साल और 1900 के बीच में अर्कामेडो वाज ए कोस्टल सेटलमेंट। ये एक समुद्री साहिल पे सेटलमेंट थी, जगह थी, वेयर शिप्स अनलोडेड, जहाँ पे सामान उतारा जाता था, गुड्स उतारे जाते थे।
फ्रॉम डिस्टेंट लैंड्स, जो दूर दराज जगहों से माल आता था, गुड्स आता था, गुड्स मीन्स माल आता था, उसको अनलोड किया जाता था, उतारा जाता था। ए मैसिव ब्रिक स्ट्रक्चर, एक बहुत बड़ा ब्रिक स्ट्रक्चर, विच मे हैव बीन ए वेयर हाउस, जो एक वेयर हाउस था, वाज फाउंड एट द साइट, उस जगह पे मिला। अदर फाइंड्स इंक्लूड पोट्री फ्रॉम द मेडिटेरेनियन रीजन, तो मेडिटेरेनियन रीजन जो था वहाँ पे क्या मिला हमें, वहाँ पे पोट्री मिली, पोट्री सच एज एम्फोर, टॉल डबल हैंडेड जार्स, लंबे लंबे जार जिनके डबल हैंडल होते थे, जिनमें लिक्विड्स रखे जाते थे जैसे वाइन और ऑयल रखा जाता था, एंड स्टैम्प्ड रेड ग्लेज्ड पोट्री, और रेड कलर की ग्लेज्ड पोट्री नोन एज अरेटाइन, अरेटाइन वेयर, तो उसे अरेटाइन वेयर कहा जाता था, विच वॉज नेम्ड आफ्टर ए सिटी इन द इटली, इटली इटली के कोई शहर है उसके नाम पे अरेटाइन रखा गया था। दिस वॉज मेड बाई प्रेसिंग वेट क्ले इन टू ए स्टैम्प्ड मोल्ड, तो इस वेट क्ले को प्रेस किया जाता था किस में, स्टैम्प्ड मोल्ड में। देयर वॉज येट अनदर काइंड ऑफ पोट्री, तो एक दूसरे किस्म की पोट्री थी, विच वॉज मेड लोकली, जो वहाँ लोकली बनाई जाती थी, जो वहाँ पे लोकली बनाई जाती थी। दो रोमन डिज़ाइंस वेयर यूज्ड, तो जो रोमन के डिज़ाइन थे वो बनाए जाते थे। रोमन लैम्प्स, ग्लासवेयर एंड जेंस हैव ऑल्सो बीन फाउंड एट द साइट, तो वहाँ पर ये सब चीज़ें मिली। स्मॉल टैंक्स, small tanks have been found that were probably dyeing what's used to dye cloth, to wahan pe jo tanks mile shayad unme wo dye kiya jata tha kapdon ko। There is plenty of evidence, wahan pe bahut se saboot mile for the making of beads, aur wahan pe beads banaye jate the from semi precious stones and glass, to ye hai elsewhere। Find Rome on map 6, मैप 6 पे नंबर 76 पे रोम फाइंड करें, ढूंढें। दिस इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटीज़ इन यूरोप, ये एक बहुत ही पुरानी सिटी है यूरोप की, एंड डेवलप्ड अराउंड द सेम टाइम एज द सिटीज़ इन द गंगा वैली, जिस ज़माने में गंगा वैली की डेवलप हुआ उसी ज़माने में ये रोम भी डेवलप हुआ। रोम वॉज द कैपिटल ऑफ वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्पायर्स, तो रोम एक बहुत बड़े एम्पायर की कैपिटल थी। वन दैट स्प्रेड अक्रॉस यूरोप, जो यूरोप तक फैला हुआ था, नॉर्थ अफ्रीका एंड वेस्ट एशिया, वहाँ पे एक अस्टगस एम्परर हुआ है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एम्परर उस ज़माने का हुआ है, हु रूल्ड अबाउट 2000 ईयर्स अगो, जिसने तकरीबन 2000 साल पहले वहाँ पे हुकूमत की है। सर दैट ही फाउंड रोम ए सिटी ऑफ ब्रिक, तो कहा जाता है कि उसने रोम ऑफ सिटी, रोम जो सिटी है सिटी ऑफ ब्रिक उसको मिली, एंड मेड इट इनटू ए सिटी ऑफ मार्बल, तो उसने इसको मार्बल सिटी में कन्वर्ट कर दिया। ही एंड लेटर रूलर्स बुल्ड टेम्पल्स एंड पैलेसेस, तो जो अगस्टस एम्परर था उसने, और जो इसके बाद जो रूलर थे उन्होंने वहाँ पे टेंपल्स और पैलेसेस बनाए। दे आल्सो बिल्ट ह्यूज एम्पीथिएटर्स, तो उसने वहाँ पे एम्पीथिएटर्स भी बनाए उन्होंने। ओपन एरिया सराउंडेड बाय टायर्स ऑफ सीट्स, तो ओपन एरिया था जहाँ पे सीट्स लगाई जाती थी, वेयर सिटीजन कुड वॉच ऑल काइंड्स ऑफ शोज, जो हर किस्म का शो वहाँ पे देखते थे, एंड पब्लिक बाथ्स, और पब्लिक नहाने के लिए, लोगों के नहाने के लिए भी पब्लिक जगह होती थी, विथ सेपरेट टाइमिंग्स फॉर मेन एंड वुमेन, औरतों और मर्दों के लिए अलग अलग टाइमिंग होती थी, वेयर पीपल मेट, जहाँ पे लोग मिलते थे एक दूसरे से और रिलैक्स होते थे। ह्यूज एक्वाडक्ट्स चैनल्स टू सप्लाई वाटर, वेयर बुल टू ब्रिंग वाटर टू द सिटी, चैनल्स बनाए जाते थे जो वाटर सप्लाई पहुंचाती थी शहर में, सिटी में, और बुल्ट टू ब्रिंक वाटर टू द सिटी।
फॉर द बाथ्स, और किसके लिए, बाथ्स के लिए, नहाने के लिए, फाउंटेन्स के लिए एंड टॉयलेट्स के लिए। तो ये था हमारा चैप्टर, ये आज कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके टेक्स्चुअल क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू।